हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक मूवी का रिव्यू कर, एक्चुअली मूवी का जो ट्रेलर आया है ना, तू झूठी मैं मकार, इस मूवी का जो अभी ट्रेलर आया है तो उसका रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, इस मूवी में जो मूवी के प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो है लव रंजन। एक बार मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, लव रंजन आप एक बार नीचे, हाँ, इस मूवी का डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, राइटर भी वही है। तो इस मूवी को लव रंजन ने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट भी किया है, राइटर भी वही है। लेकिन आपको पता होगा, लव रंजन अपना जो करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे कार्तिक आर्यन भी अपना करियर स्टार्ट किया था। आपको पता होगा ये पंच प्यार का पंचनामा, आप ये मूवी भी कार्तिक आर्यन का आई थिंक ये फर्स्ट मूवी था। तो और उस मूवी में ये लव रंजन के वजह से आज कार्तिक आर्यन को जितना फ्रेम मिला है ना, तो मतलब उसके लिए लव रंजन को मतलब सराहा जा सकता है। उसके बाद ये आकाशवाणी भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये भी आई थिंक कार्तिक आर्यन का भी है। उसके बाद ये प्यार का पंचनामा 2, तो ये इसका सीक्वल है, तो ये भी सही है, मैंने देखा था। उसके बाद लाइफ से ये तो मैंने कभी नहीं देखा, ये शायद इतना अच्छा हुआ नहीं था। उसके बाद ये सोनू की टिट्टू सोटी यार जो भी है, ये भी अच्छा है। और दे पे प्यार दे, ये मैंने देखा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही है, इतना एजेड पर्सन के साथ एक 20-25 साल की लड़की है, वो इंडिया में नहीं चलता है। उसके बाद ये सब मूवीज देख सकते हैं, बट एनीवेज 2023 का जो स्टार्टिंग में तो यही जो तू झूठी मैं मकार ये रिलीज होने वाला है, ये होली पे रिलीज होगा। और ये जो और मूवी के बारे में मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए मूवी यहाँ पे कुछ रोमांटिक कॉमेडी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ये जो मूवी है ना, सॉफ्ट पॉर्न फिल्म है, ठीक है। इसको तो उल्लू फिल्म ये सब में रिलीज़ होना चाहिए, वो उल्लू ऐप जो आता है ना वहाँ पे, और मूवी में यही है। ये जो मैं यहाँ पे जो कर्सर मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मूवी में ये सभी चलता है। आप ट्रेलर देख के आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज आपको ट्रेलर देख के ऑलमोस्ट पूरा जो स्टोरी है ना, वो थोड़ा थोड़ा आपको एकदम पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा की मतलब कोई पोजीशन ही नहीं रखा। और एनीवेज ये तो तू झूठी मैं मकार ये विकिपीडिया पेज है, इसमें मैं एक ही चीज़ देख रहा था, एक है बोनी कपूर। पता नहीं बोनी कपूर का मैंने ये कभी एक्टिंग किया है कि नहीं किया, ये मेरे को नहीं पता। ये आपको पता होगा, ये श्रीदेवी का हस्बैंड एक्चुअली श्रीदेवी तो मर गई है, लेकिन बोनी कपूर ने शादी नहीं किया, तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी श्रीदेवी का हस्बैंड है। और इनका बेटी है जानवी कपूर, और एक बेटी है, उसका तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है। यहाँ पे होगा निश्चय जानवी कपूर चिल्ड्रन, अर्जुन कपूर तो उनका जो पहला पति से उनका हुआ था, खुशी कपूर और एक है अंशुला कपूर। पता नहीं, इस मूवी में मैंने जब ट्रेलर देखा था ना, वहाँ पे बोनी कपूर का कुछ रोल मैंने नहीं देखा, तो आपने इसको नोटिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उसके बाद आपको मैं बोलूँगा कि एक एंट्री है, ये जो अभिनव सिंह बस्सी आपका स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनका भी एक रोल है तू झूठी मैं मकार में। ये जो एक्टर है ना रणबीर कपूर का जो फ्रेंड का रोल यहाँ पे निभाया है। एनीवेज देखिए, मूवी तो मुझे ये सब मूवी में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, तो लेकिन मैं बोलूँगा आपको ये सब जो रोमांटिक मूवी अच्छा लगता है तो एक बार आप जाके देख सकते हैं, और जाके वहाँ पे चेक कीजिएगा कि कौन झूठ है कौन मक्कार है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये सब मूवी देख के अपना रियल लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट मत कर बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जब ये झूठ मक्कारी का एक लिमिट के बाहर चला जाएगा ना, तभी विल बी इन ट्रबल। और ये ऐसे मूवी तो जो बनता है वो प्रोपागेंडा के लिए बनाया जाता है, और ये सब टारगेट भी वही होली मोली ये सब भी टारगेट करता है। बट एनीवेज ठीक है, आप ये मतलब एक बार देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, और अदरवाइज ये तो थिएटरिकल रिलीज होगा, ये पिटेगा अल्टीमेटली, वो आ जाएगा इसमें OTT में, उसके बाद वहाँ से देख लीजिएगा। एनीवेज आपको ये ट्रेलर देख के मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, आपका जो रिस्पॉन्स है ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा।